अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ गुर्दे कलेजी सोए की भाजी के साथ। सोए की भाजी के साथ बनाई है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत जायकेदार होती है। तो एक कट्टा है ये और सोए का, और मगर बहुत बड़ा है, तो इसमें जितनी लगती मैं उतनी डालूँगी। एक बड़ा कट्टा है ये, बहुत मोटा है इसका कट्टा, तो आधा भी काफ़ी रहता। अब ये गुर्दे कलेजी को मैं क्या करी, एक 1 टेबल स्पून विनीगर डाली और इसमें पानी डाल दी। पानी के अंदर इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दी, क्यों बोलते इसमें जो लाल पानी खून का आता वो भी चल जाता, और इसमें जो स्मेल रहती वो भी चल जाती। चाहे तो आप सेम तरीके से आटे से मसल के भी धो सकते हो, उससे भी बहुत साफ़ होता। अब इसको मैं अच्छे से धो ली, 2-3 पानी से धो ली। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून है नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून है लाल मिर्ची और 1/2 टीस्पून है हल्दी। अब इस हाथ से अच्छा मिला लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको एक 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 15 मिनट हो गए गुर्दे कलेजी को रेस्ट होते हुए, तो अब क्या करेंगे एक कुकर रखिए और इसमें 1 कप ऑयल डालिए। अब 2 बड़े साइज की प्याज डाल दी, और प्याज का कच्चापन जाना हल्की सॉफ्ट, और प्याज सॉफ्ट हो गया हल्के से ब्राउन होना जब तक इसको फ्राई कर लेंगे। चाहे तो आप इसको भगोने में बर्तन में बना सकते हो बगैर कुकर के, मगर टाइम ज़्यादा लगता और कम टाइम में ये अच्छे बन भी जाती है और प्याज भी अच्छी गल जाती। प्याज अच्छे से फ्राई हो गई, हल्के से ब्राउन होना शुरू हो गई और कच्चापन गया, सॉफ्ट हो गई। तो अब इसमें क्या करेंगे, जो गुर्दे कलेजी को मैरिनेट करके रखे थे वो डाल देंगे। वो डालने के बाद इसको अच्छा भुनेंगे। एक 5-10 मिनट इसको अच्छा भून लेंगे। तो मैं 5-10 मिनट अच्छे से भून ली। अब इसमें 4-5 हरी मिर्चियाँ डालेंगे और कलेजी गुर्दे में से भी पानी रिलीज होता, और थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब सीटी ढक्कन लगा देंगे, 3-4 सीटी होने देंगे। उसके बाद और 4-5 मिनट धीमे पे रखेंगे। धीमे पे रखने के बाद फ्लेम को बंद कर देना, प्रेशर खुद से रिलीज़ होने देंगे, कुकर को खुद से रिलीज़ होने धीमे। अब इसको खुले बर्तन में निकाल लेंगे, इसमें पानी बहुत है तो खुले बर्तन में निकाल लेंगे। अब खुले बर्तन में निकाल लिए, और पानी ज़्यादा है इसके अंदर, तो पानी की क्वांटिटी आधी होने के बाद इसमें सोए की भाजी डालेंगे। इसका जो पानी था तकरीबन, पानी को मैं सुखा ली और थोड़ा पानी बचा ली, रहने दी। अब ये पानी जो है बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, क्यों बोलते सोया की भाजी भी इसमें पकना, तो अब ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी था तो सुखा ली, थोड़ा पानी को छोड़ दी। अब इसमें डालेंगे, अब वो ज़्यादा बहुत बड़ा कट्टा है सोए का, तो मैं आधा डाली और 1-4 हरी मिर्चों को स्लिट करके डालना, और फ्लेम को धीमा कर दी। अब धीमे फ्लेम पे 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे, तो ये जो सोए की भाजी अच्छे से पक जाती है। सोए का फ्लेवर कलेजी गुर्दे में बहुत मज़े का रहता, आप रोटी के साथ राइस के साथ इसको बना सकते हैं। अब धीमे पे इसको ढाप देंगे, बीच बीच में 1-2 बार इसको मिला सकते हैं, और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसको 10-15 मिनट के लिए मैं छोड़ दी थी। अब फ्लेम को तेज कर ली और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसको सुखा देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही सोए की जो भाजी डाले हम उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही, अच्छा फ्लेवर भी रहता और अच्छा टेस्ट भी रहता। रोटी और राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल कलेजी का फ्लेवर बदल ही जाता कलेजी गुर्दे का जब सोए की भाजी के साथ पकाते हैं। और मेरे चैनल पर कलेजी गुर्दा फ्राई करे हुए रेसिपीज है, और कलेजी गुर्दे की मसाले की रेसिपी है, आप वो चाहें तो वो भी देख के बना सकते हैं। पानी इसका एक्स्ट्रा था, वो पानी सूख गया। अब इसको डिश में निकाल लेंगे। आप इसको रोटी के साथ राइस के साथ बना सकते हैं। माशाल्लाह बहुत हेल्थी रेसिपी और माशाल्लाह बहुत टेस्टी रेसिपी। चलिए मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।